हैदराबाद शहर के राजभवन मक्ता में एक नौजवान पर हमले का वाकया पेश आया, जहां मोहम्मद सुल्तान नामी नौजवान पर चंद अफराद ने रेलवे गेट के करीब हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान सुल्तान सोफा मेकर बताया गया है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके अलावा जख्मी के मामू का बयान भी सुनिए। तू भी धुन में दिख रहा है मेरे को बेटा। पहले भीखी छड़ी वो छूतिया रुक जाना नहीं मेरे पास आके। ये देख मैं भाई ठहरे हुआ हूँ, पूरे भाई हैं हमारे आसपास में। बाकी छू दिन की बस्ती का नाम खराब हुआ था वाला मक्ते में आके गांड फोड़ के गए बोले ऐसी इज्जत जाती अपनी। ये देख देख मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को मालूम ही नहीं हो रहा कौन आए कौन भागे। मैं वैसे ही बात कर लेते ठहरे हुआ हूँ, गौर ही नहीं कर रहा मैं, यहाँ बातचीत में लगे हुआ हूँ मैं। यहाँ पे पलट के भी देखा उन्हें कर रहा, रुकना नहीं मेरे को देख के। हाँ ये देखो सुल्तान है, मैं वहाँ रेलवे गेट के पास ठहरे आया था तो हमारे बस्ती के लीडर ठहरे हुए थे वहाँ पर मेरे साथ। तो वहाँ से एसी गार्ड के बच्चे आए, आवाज़ कर देते जा रहे, तो हमारे बस्ती का लीडर बोले कई कोई साहब पुकारा करिए बोलते बोले, तो उनके हाथ पे मारने आए। तो मैं बोला मैं बच्चे को पहचान तो था, पहचान के बोला हमारे बस्ती का लीडर है बता मत जाओ हम पे बोल के बोला। तो मैं वहाँ से खामोश चले गए। फिर गए बाद में मेरे को हमारे बस्ती का एक बच्चा फ़ोन करा आवाज़ बोल के, ईदगाह के पास आओ बोल के बुलाया मेरे को। बुलाया बाद में मैं पूरा पहुँचा भी नहीं, आधे रास्ते में आके बहुत जने मारे, पहले 6 जने मारे फिर मैं भाग गया, फिर एक जना मारा एक पकड़ के एक जना, फिर मैं थोड़ा आगे फिर उन्हें फिर लेके गया उसी जगह पे, फिर वहाँ पर बहुत जने आ गए थे 15 से 20 जने थे, बहुत जने मारे, फिर मैं वहाँ से निकल के भाग गया। पंजाब उठा PS में कंप्लेंट करे बाद में कि उस्मानी हॉस्पिटल को भेजे, उस्मानी हॉस्पिटल को गए वहाँ पर तो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ जैसे गए। और यहाँ पर कान पे टाके लगे, 6 टाके लगे और यहाँ पर भी पूरा फट गया और पूरा ये पूरे फसलियों में मारे, सांस लेने नहीं आ रहा और खांसे तो भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और लेटने भी नहीं आ रहा, 2 साइड भी दर्द है, बहुत दर्द है, सोने भी नहीं आ रहा मेरे।
बहुत लड़ा लड़ा के मारे और बहुत बच्चे थे, 15 से 20 जने थे। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पंजाब उठा PS में कंप्लेंट कराए तो, पर अच्छा एक्शन लेऊंगा अभी जो जिसके लिए करे। जो बच्चे थे उन लोगों को ढूंढ रहे हो, बच्चे नहीं मिल रहे अभी, उसमें अच्छे से एक्शन लिए देख रहे, अच्छा ही देख रहे। जो बच्चे थे वो पूरे नशे में थे और वो हमेशा का वैसी जगह पूरे बच्चे वैसी छो गए वहाँ पर, वो पूरे गांजा मारने वाले थे जो मेरे को मारे। और वो MS मख्ते में रेलवे गेट के पास ही छुआ, वो पूरा हमेशा ऐसे ही छुआ, पूरे नशे में रहते और बच्चे को छेड़ते करते निकली जोड़ते और ईदगाह के पास पूरा हमेशा ऐसे करते रहते। पूरे गैंग पूरी जमा वहीं छोड़ती, पूरे पीने वाले वहाँ पर आके करते। जो बच्चे में घुमा रहे वो AC गार्ड के थे, वो निकली रोड पे आए थे। जो अभी गांजा मारने वाले बच्चे थे उन लोगों के पास आए थे, पूरा पी के करके नीचे बस्ती में आए, बाद मेरे को मारे। जो मेरे को AC गार्ड के बच्चे मारे वो बच्चों के नाम सिर्फ 3 ही जनों के मालूम, एक नुमान है, एक रहमान है, एक फैसल है, 3 जनों के नाम मालूम। अभी बहुत बच्चे थे उनके दोस्तान थे, मेरे को नहीं मालूम उनके नाम भी ना। और सूरत आम भी फर्स्ट टाइम देखा मैं इन लोगों के। और बहुत जने थे, 10 से 15 जने थे पूरे मारे में। तेलंगाना पुलिस से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक्शन लियो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरे भाई है छोटे, MS मख्ते में रहते हम लोग। AC गार्ड की गैंग, गांजा गैंग बस्ती में आकर वो लीडर साहब को कुछ बोलने पर और मेरा भाई कुछ बोलने पे, बड़े लीडर हैं यहाँ के मत बोलो उनके, उतनी सी बात को उनको इतना मारे हैं, 15 से 20 जने मारे हैं उनको। उसके CCTV फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह राउंडिंग पुलिस की और ज़्यादा सख्त से पेश आए और गांजा गैंग ख़त्म करने का इंतज़ाम कराएं पूरा एरिया का। और जो ये पंजागुट्टा PS से हमारे को अच्छी रिस्पांस मिल रही है और अदबन गुजारिश है लीडर साहब से, MS मख्ते के शेख शरीफ साहब से, ये केस को जल्द से जल्द आगे तक लेकर जाएं। इनको सर पर 6 टाके हैं कान के पीछे और सर पे इधर गुपत मार है और पूरे फसलियों में पूरे फैटा फैटा मारे सो है, गुपत मारा है बहुत है और उनको चलना नहीं आ रहा, उठकर ठहरने नहीं आ रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही और इनको बहुत तकलीफ़ में है। इनका काम सुबह 11 बजे जाना है, शाम में 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं काम से इन्हों वो झंझट में नहीं जाते, लेकिन इनको इतनी सी बात पर इतना मारे हैं पूरे वो पंचा मारे सो। आपकन वीडियोस है हमारे कन, आपको सब बताएंगे। निकल पंच से भी मारे सो है, उसमें कान पर जो पीछे मारे हैं निकल पंच से मारे, उस्मानिया हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट हुआ बच्चे का, इलाज देर चल रहा है अभी उनका इलाज, उनको ठहरने और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तेलंगाना पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है सख्त से सख्त उनके कार्रवाई किया जाए और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, ये बच्चा रेलवे गेट के पास ठहरा हुआ था, शरीफ साहब लीडर बोल के हैं वहाँ पर, उनसे कुछ बदतमीजी करे बच्चे बाहर वाले AC गार्ड के, तो उसमें से एक बच्चा पहचानत का था जिसमें ये हमारा भांजा क्या बोला कि भाई बदतमीजी मत करो शांत, हैदराबाद एक मख्ते के लीडर है ऐसा बोले। तो 15-20 मिनट के बाद क्या हुआ कि इसको एक फ़ोन आया, भाई तुम आओ ज़रा बात करना है। वो तो ये हमने अकेला जा रहा था, तो जो बहस करे थे बच्चे वो 4 जने मिल के इसको रास्ते में मारे, रास्ते में मारने का ये बच्चा भाग लेते 3 से 4 जगह भाग लेते, बच जाते गया। जाने के बाद भी वो वहाँ के जो एरिया के CCTV फुटेज है उसमें पूरा दिखा रहा कि बच्चे को बेतुका मारे सो, और मेरा बच्चे को तकरीबन कान के पीछे 6 टाँके हैं और फसलियों पे गुपत मारा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है इसको, और तकरीबन इसको
बहुत ही दर्द से गुजरा है, क्योंकि बहुत बेतुका इसको मारने की कोशिश करे, मसला कुछ भी नहीं था, मारने वाले गंजटियाँ थे पूरे जो पीने वाले हैं, जिसमें एसी कार्ड के कुछ बच्चे हैं और मख्ते का कुछ बच्चे हैं। मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत तेलंगाना से और कमिश्नर ऑफ इंजीनियरिंग कुमार साहब से और हमारे एरिया वो पंजाकुटा पीएस से कि ये हर रोज़ एक ना एक गंजटी वहाँ पर ऐसे हरकत कर रहा और गंजटियाँ पी पी के ये हरकत वहाँ के लोकल बच्चों के साथ हरकत कर रही, जिसमें बच्चों में खौफ बैठा हुआ है और बच्चे डर रहे हैं कि ये हादसा आज हुआ कल हमारे बच्चों के साथ भी होता। और मैं ये चाह रहा हूँ हुकूमत से और पंजाकोटा पी एस ए कि एक पुलिस की राउंडिंग ज़्यादा रखें और वहाँ के जो बड़े लोग हैं उन लोगों को ये बात दे इतला दे कि बच्चों को अपने सही तरीके से रखें। ये डेली का है, ए सी गार से आना वहाँ आके गंजटी पीना, गंजा पीना, सिगरेट पीना, अपने आप को बेकाबू कर लेना, लोगों के साथ बेरहमती बदतमीजी से बात करना, ये ही चल रहा। मेरी हुकूमत से अदबन गुजारिश है, इंजीनियर कुमार साहब से भी गुजारिश है, एक्शन पुलिस वाले बराबर ले रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, मगर जल्द से जल्द इन सबको जितने भी बच्चे को मारे हैं मेरे भाई को मेरे उसमें 5 से 6 बच्चे बेतुका मारे हैं, जिसमें और काफ़ी बच्चे मौजूद है उसमें जिसको हमारा भाई नहीं पहचानता नहीं है उसमें, मगर जो 3 बच्चों का नाम है बोला है बच्चा वो बच्चे को पहचानता हूँ उन्हें, वो बच्चों को बराबर उन्हें आइडेंटिफाई करा है उस चीज़ से। मैं और गुजारिश करता हूँ बस कि इस पे जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई को जिस तरीके से मारे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिख जाता है, इस वीडियो में आप देख लीजिए किस तरीके से लड़ा के मारे हैं और जिस तरीके से फुटबॉल खेले ऐसा मारे हैं मेरे छोटे भाई को। मेरा भाई ना कुछ करा ना कुछ बोला नहीं, ऐसा बेतुका मारे, आप इसमें आप लोग देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से मारे हैं मेरे भाई को, आप लोग देख लीजिए भाई। मेरी हुकूमत तेलंगाना से एक छोटी सी गुजारिश, अदबन गुजारिश है और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस इंजीनियर कुमार साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस कार्रवाई पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जितने भी मुलजिम हैं इनको जो मारे हैं उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। और अभी फ़िलहाल कार्रवाई चल रही है पंजाकोटा पी एस से, मैं ऐसे हिसाब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और सख्त से सख्त इन लोगों को सजा दीजिए। बस शुक्रिया सर।